यस नेक्स्ट यस सिक्स नंबर शीट। तो आज हमने बस ये शीट करनी है, सिक्स नंबर शीट, ठीक। ये आज का लेक्चर है, इसके बेस पे फिर जो होमवर्क होगा आप होमवर्क करके आएंगे, ठीक है। देखो न्यूमेरिकल्स करेंगे किस पे, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड पे या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड पे। कैसे? हमने फॉर्मूला किया एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम एंड एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। जैसे न्यूमेरिकल आएगा, अ मैन इज ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड फॉर फर्स्ट हाफ टाइम। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस नहीं कहा उसने, फर्स्ट हाफ टाइम विद अ स्पीड ऑफ v1 एंड सेकेंड हाफ टाइम विद अ स्पीड ऑफ v2। तो आप इमेजिन करें कि पूरी जर्नी का टोटल टाइम t है, टोटल टाइम t है, और फर्स्ट हाफ टाइम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, t/2। दूसरे हाफ टाइम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, t/2। तो फर्स्ट हाफ टाइम कवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ v1 एंड सेकेंड हाफ टाइम कवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ v2। क्या ये डायग्राम समझ में आ रहा है सबको, क्या गिवन है, राइट? अब कोई ये कहेगा कि आधी जर्नी का मतलब अगर टोटल डिस्टेंस x है तो क्या ये x/2 है? ये भी तो हो सकता है। नहीं, उसने बोला ही नहीं। उसने क्या बोला, अगर वो ये बोलता बॉडी कवर्ड फर्स्ट हाफ डिस्टेंस तो मैं लिखता x/2। उसने क्या बोला, फर्स्ट हाफ टाइम, तो डिस्टेंस का उसने कुछ मेंशन नहीं किया, तो मैंने टाइम को आधा आधा कर दिया। पूरी जर्नी का टोटल टाइम अगर टी है, पहला हाफ टाइम t/2, दूसरा हाफ टाइम t/2। तो पहला हाफ टाइम t/2 कवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ v1 और दूसरा t/2 कवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ v2। आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। आपको किसमें प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा वो क्यों, आपने कहा करना क्या है, एवरेज तो वैसे ही निकालनी आती है। कैसे, v1 + v2 / 2, खत्म, लॉजिक है। क्या प्रॉब्लम है इसमें, ऐसे ही करते हैं एवरेज नहीं लगाना। आपका मन बहुत बार कहेगा इस चैप्टर में कि तीन वेलोसिटीज हैं v1 v2 v3, एवरेज v1 + v2 + v3 / 3, बिल्कुल भी मत लगाना। बस एक ही फॉर्मूला लगाना, दूसरा बिल्कुल ना लगाना। एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बस। चाहे आपको जो मर्जी लगता हो, डेफिनेशन यही लगाना कि एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब इस पूरी जर्नी में जब ये क्वेश्चन आते हैं, फिर इसके मैं कोशिश करता हूँ कि डायग्राम बने या ना बने, मैं डायग्राम ज़रूर बनाता हूँ। मुझे बार बार डायग्राम बनाने से क्वेश्चन को रीड करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायग्राम ही में बता देता है कि ये सीन है। अब मुझे क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। टोटल टाइम तो एक मिनट में आ जाएगा, कैसे, t/2 + t/2। तो टोटल टाइम में t/2 t/2, टोटल डिस्टेंसेज, मान लो ये जर्नी है s1 और ये जर्नी है s2। ये जर्नी बराबर क्यों नहीं है, s और s बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों की स्पीड डिफरेंट है। कोई आधे इंटरवल में गाड़ी तेज चल रही है, आधे में स्लो चल रही होगी, तो डिस्टेंस टेकन, डिस्टेंस कवर्ड सेम नहीं हो सकता। तो इसमें डिस्टेंस क्या होगा, निकाल लेते हैं। आपको इसकी वेलोसिटी पता है और टाइम पता है, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। इसकी स्पीड कितनी है, v1, और टाइम कितना है, t/2। तो मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा इसका डिस्टेंस, क्लियर है यहां तक। इसका डिस्टेंस कितना है, स्पीड कितनी है, v2, टाइम कितना है, t/2, मल्टीप्लाई करके इसका डिस्टेंस आ गया। तो s1 s2 क्लियर है, आपके पास s1 आ गया, s2 आ गया, पुट कर लेते हैं। s1 की जगह v1 into t/2, s2 की जगह v2 into t/2 डिवाइडेड बाय t/2 एंड t/2। कोई डाउट इसमें, दोनों की टोटल टाइम टी है, उसको आधा आधा कर लिया, t/2 t/2 सेम हुआ, ठीक। तो इसमें न्यूमिनेटर में से t/2 कॉमन आ गया, क्या बचा, v1 + v2। डिनोमिनेटर में t/2 + t/2 कितने है, टी, राइट। टी से टी क्या हो गया, कैंसल, आंसर क्या आ गया, v1 + v2 / 2। आप कहेंगे सर मुझे तो पहले ही लग रहा था,
आपने ऐसे ही मना किया, हम तो वैसे ही सॉल्व कर सकते थे, वी वन प्लस वी टू बाई टू नहीं करना, क्योंकि अगले जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इसी में लगता है ये फॉर्मूला। अदरवाइज जब क्वेश्चन चेंज करेगा आपके क्वेश्चन के शॉर्टकट गलत हो जाएंगे, आप मत करना, आप यही फॉर्मूला यूज़ करना, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, चाहे फाइनल आंसर ऐसा आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है कि कैसे इसमें सॉल्व किया, राइट? ठीक है, नेक्स्ट, पर्सन ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड फॉर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस। इस बार उसने क्या कहा, फर्स्ट हाफ टाइम नहीं कहा, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ वी वन। तो अगर टोटल डिस्टेंस एक्स है तो फर्स्ट हाफ का मतलब एक्स बाई टू, अदर हाफ का मतलब एक्स, तो बराबर बराबर डिस्टेंस एक्स बाई टू एक्स बाई टू। तो एक्स बाई टू कवर किया जाता है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी वन एंड अदर हाफ डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ वी टू। तो वी वन वी टू क्लियर है यहां तक, राइट? तो मुझे क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बोलो एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू, ये रहा टोटल टाइम। क्या होगा टोटल टाइम में, ये टाइम तो इसमें मेंशन ही नहीं है, तो निकाल लो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहली जर्नी में डिस्टेंस कितना है एक्स बाई टू, स्पीड कितनी है वी वन, तो आ गया ना टाइम। ऐसे यहां पर डिस्टेंस कितना है एक्स बाई टू, स्पीड कितनी है वी टू, आ गया टाइम टी वन टी टू आ गया। यहां से टी वन टी टू को यहां पे पुट कर देते हैं क्योंकि टोटल डिस्टेंस है एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू, टोटल टाइम जर्नी का टी वन एंड टी टू, टी वन एंड टी टू को यहां पे पुट किया, टी वन की जगह एक्स बाई टू बाई वी वन और टी टू की जगह एक्स बाई टू बाई वी टू, राइट? आधा कितना इसमें x by 2 x by 2, टोटल डिस्टेंस x by 2 और x by 2, ऐड करोगे x आएगा और टोटल टाइम टेकन t1 एंड t2, ऐड करोगे t1 प्लस t2, t1 की जगह क्या पुट करेंगे x by 2 by v1, t2 की जगह क्या पुट करेंगे x by 2 by v2। अब यहां से सिंप्लीफिकेशन देखो, 2 नीचे आ गया तो क्या बना x डिवाइडेड बाय 2v1, x by 2 upon v2 को क्या लिखेंगे x डिवाइडेड बाय 2v2, नीचे आ गया 2, यहां से डिनोमिनेटर में से x बाई टू कॉमन, तो क्या बचा 1 बाई वी वन और 1 बाई वी टू, क्लियर है? x बाई टू कॉमन आया तो 1 बाई वी वन 1 बाई वी टू, x से x कैंसल, डिनोमिनेटर में 1 बाई टू चल रहा है, इसको ठीक तरह करके लिखोगे तो न्यूमिनेटर में 2 चला गया, नीचे क्या बचा 1 बाई वी वन 1 बाई वी टू। ये स्टेप क्लियर है सबको, मैच स्टार्ट हो गया, इसमें फिजिक्स खत्म हो गई। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन है, तो x बाई टू कॉमन आ गया, 1 बाई वी वन 1 बाई वी टू, एक्स से x कैंसल, 1 बाई टू उल्टा लेके गए 2, इसका एलसीएम लो, एलसीएम क्या होगा v1 v2, तो क्या आएगा v2 प्लस v1, इसका रेसिप्रोकल लो 2 v1 v2 वी टू बाई वी वन प्लस v2। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी 2 v1 v2 वी टू बाई वी वन प्लस v2। अब कोई अगर कहे मैं तो याद करके जाऊंगा फिजिक्स, हाँ तो कर जाओ याद, कितने फॉर्मूले याद करोगे, लो मैं क्वेश्चन चेंज कर दूंगा, नेक्स्ट इसका आंसर चेंज हो जाएगा। आप सिर्फ एक ही चीज समझ के जा सकते हो और वो क्या, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बाकी सिर्फ प्रैक्टिस है। क्लियर है यहां तक? जैसे सपोज करो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन कर दिया, अब इंटरवल दो की जगह इंटरवल तीन बना दिए, देखो मेरी मर्जी, मैं चार बनाऊं, दो बनाऊं, तीन बनाऊं, तब मैंने क्या किया ताकि लोग आंसर याद ना करें,
मैंने कहा अ बॉडी ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक बॉडी कैसे मूव करती है ना, स्ट्रेट लाइन ट्रेवल्ड वन हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस. अब मान लो टोटल डिस्टेंस कितना है x, वन हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट करोगे, x बाय टू, ठीक, अदर हाफ क्या हुआ x बाय टू, तो x बाय टू x बाय टू, टोटल x, x बाय टू x बाय टू. उसने सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दी कि बॉडी कवर्स वन हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस, तो यानी कि वो किसकी बात कर रहा है, पहले x बाय टू की, तो पहला x बाय टू कवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 10. तो डायग्राम जरूरी है बनाना, मैं बनाता हूं, बुक्स बनाए ना बनाए, आप बनाओ ना बनाओ, मेरे को ठीक लगता है डायग्राम बनाना, मेरे को बार बार क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ता. तो मैंने मान लिया टोटल डिस्टेंस x है और आधा डिस्टेंस कितना है x बाय टू. उसने क्वेश्चन में ये कहा x बाय टू डिस्टेंस, x बाय टू डिस्टेंस वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस कितने वेलोसिटी से कवर हो रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड. तो मैंने लिख दिया 10 मीटर पर सेकेंड. तो पहला हाफ डिस्टेंस x बाय टू इज कवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. तो आपको ये डायग्राम क्लियर है, सिर्फ आधा आधा ये वाला, बस आधी इंफॉर्मेशन क्लियर है. फर्स्ट हाफ डिस्टेंस का मतलब x बाय टू, कवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 का मतलब 10. अब बात करते हैं अदर हाफ की, दूसरे हाफ की. अब दूसरे हाफ में क्या कह रहा है, रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस. अब रिमेनिंग पार्ट है कितना, x बाय टू, अदर x बाय टू, पहले x बाय टू की कहानी बता दी उसने. रिमेनिंग x बाय टू वॉज कवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर फर्स्ट हाफ टाइम. अब देखो उसने दोनों क्वेश्चंस को मर्ज कर दिया जो पहले में दो क्वेश्चंस किए. वो कह रहा है जो अदर पार्ट ऑफ जर्नी है ना, उसमें जितना भी समय लगा, जितना भी समय लगा, तो जैसे पहले हाफ ऑफ जर्नी में टाइम कितना लगा, T1 मान लिया, अपने मन से T1 मान लिया, और सेकेंड हाफ जर्नी कितनी देर में कवर हुई, T2 में मान लिया, मैंने अपने मन से मान लिया T2. वो ये कह रहा है जो सेकेंड हाफ है, सेकेंड हाफ का मतलब x बाय टू है, इसमें बॉडी कवर्ड स्पीड ऑफ बॉडी हैज अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर फर्स्ट हाफ टाइम. यानी कि इस जर्नी को कवर करने में बॉडी ने पहले हाफ टाइम में स्पीड कितनी रखी, 20, और दूसरे हाफ टाइम में स्पीड कितनी रखी, 30. इसको ये लिखा हुआ है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, x बाय टू कवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर फर्स्ट हाफ टाइम. फर्स्ट हाफ टाइम का मतलब जो रिमेनिंग में टाइम चाहिए, रिमेनिंग कवर करने में कितना समय लगता है, T2. फर्स्ट हाफ टाइम का मतलब T2 बाय टू कवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20, और सेकेंड हाफ टाइम का मतलब T2 बाय टू कवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 30. ये कुल मिला के इसका डायग्राम बना. पूरा क्वेश्चन पढ़ के मैंने ये समझा, इसका डायग्राम बनाया, इसमें कोई डाउट ऑनलाइन वालों को? नो सर. तो अब इसमें एक बेसिक डेफिनेशन क्या है एवरेज वेलोसिटी की, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, यही डेफिनेशन है. अब टोटल डिस्प्लेसमेंट बोलो पूरी कितनी है इसकी. टोटल डिस्प्लेसमेंट में एक्स मैंने लिखा नहीं, हाँ लिखा मैंने एक्स बाय टू सही बोल रहे हो, तो एक्स बाय टू प्लस एक्स बाय टू. पहली हाफ जर्नी कितनी डिस्टेंस की, एक्स बाय टू, दूसरी हाफ जर्नी एक्स बाय टू, तो कुल मिला के टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, एक्स बाय टू प्लस एक्स बाय टू. क्लियर है टोटल डिस्टेंस. टोटल टाइम टेकन बोलो कितना, T1 प्लस T2, पहली जर्नी T1, दूसरी जर्नी पूरी T2, तो कुल मिला के टोटल समय कितना लगा, T1 प्लस T2. तो ये डेफिनेशन क्लियर है पहली, ठीक है. अब मैं T1 T2 की वैल्यू पुट करूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा, राइट. T1 निकाल लें, मुझे टाइम पता नहीं, हाँ मुझे डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस कितना है x बाय टू, वेलोसिटी कितनी है 10. तो अगर मैं डिस्टेंस x बाय टू को इसकी स्पीड से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा इसका टाइम, तो T1 आ गया. तो T1 क्या आएगा, x बाय टू डिवाइडेड बाय 10, तो T1 आ गया, संभाल के रखो इसे. T2 निकालें, इस डायग्राम को देखते हुए T2 कैसे निकलेगा. देखो आप अगर कहेंगे कि x बाय फोर कर लो, इसका आधा कर लो, कैसे कर, उसने बोला ही नहीं x बाय फोर, तो ये डिस्टेंस तो मुझे पता नहीं, मुझे ये भी नहीं पता, हाँ मुझे टोटल डिस्टेंस पता है. आप मुझे ये बताओ कि ये डिस्टेंस कितना है,
डिस्टेंस कितने हैं, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो 20 इंटू कितना t2/2 डिस्टेंस आ गया, किसका, ये वाला, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, 30 को t2/2 से मल्टीप्लाई कर दो डिस्टेंस आ गया, तो ये डिस्टेंस आ गया 20 को टाइम से मल्टीप्लाई किया ये डिस्टेंस, 30 को टाइम से मल्टीप्लाई किया तो ये डिस्टेंस, क्लियर है यहां तक। अब ये दोनों मिला के डिस्टेंस कितना गिवन है, x/2, तो क्या मैं लिख सकता हूं, x/2 इज दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, तो x/2 इज फर्स्ट इतना डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस, इससे क्या फायदा हुआ, 2 2 2 क्या हो गया, कैंसल, कैंसल करके ये टर्म आ गई, t2 इसमें से क्या आ गया, कॉमन, और 20 प्लस 30 कितना 50, तो x अपॉन 50 मैंने क्या निकाल दिया, t2, मैंने यहां से क्या निकाल दिया था t1, और मैंने इन दोनों से क्या निकाल दिया t2, t1 आ गया t2 आ गया, इस t1 को उठा के यहां पुट कर दिया और t2 की जगह यहां से t2 पुट कर दिया, यहां से अब मैथ स्टार्ट हो गया, फिजिक्स खत्म होगी, 2 नीचे आ गया तो x/20, तो यहां से डिनोमिनेटर में से x कॉमन, तो क्या बचा 1/20 1/50, x से x कैंसल, इसको सॉल्व करेंगे 50 और 20 वो एलसीएम लेके 50 प्लस 20 रेसिप्रोकल लेंगे आंसर आएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, कॉन्सेप्ट एक ही है, बस किसी तरीके से टोटल डिस्टेंस पता लग जाए और टोटल टाइम पता लग जाए। अब कई लोग सोचते हैं कि यार बाकी सब तो ठीक है, पहले दो क्वेश्चन तो ठीक थे, ये पता नहीं कहाँ से बीच में ये और कॉम्प्लेक्स हो गया, मेरे को कैसे पता लगेगा कि इसका टाइम ऐसे निकलेगा, प्रैक्टिस, आप क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस, तो आपने ये क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क दूंगा, आप इसको फिर रेफर करेंगे, फिर वो होमवर्क करेंगे, दो चार बार देखेंगे, अपने आप ही प्रैक्टिस हो जाएगी। आप मुझे तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं सोचूंगा भी नहीं, मैं फटाफट कर दूंगा इसका ऐसे आंसर होगा, क्योंकि मैंने 10 बार क्वेश्चन कर रखा है, तो आप भी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको टेक्निक पता लग जाएगी कि इस क्वेश्चन की क्या टेक्निक है। तो आइडिया क्लियर है कि इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है, राइट। अब जैसे सपोज करो हमने कैलकुलस डिफ्रेंसिएशन में क्या सीखा था, हमने डिफ्रेंसिएशन में ये सीखा था कि अगर मान लो ये ओरिजिन है, मेरी कार यहाँ पर है, टाइम t1 है, मेरा कोऑर्डिनेट x1 है, फिर मेरी कार कहाँ पर आ गई, t2 टाइम पे कहाँ पर आ गई, x2 पे आ गई, तो मैंने डिस्टेंस कितना कवर किया, x2 - x1, कितने टाइम में कवर किया, t2 - t1, तो अगर मैं पूछूँ बताओ मेरी एवरेज वेलोसिटी कितनी है, तो आप बोलोगे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम में इसको क्या लिखते हैं, डेल्टा एक्स, इसको क्या लिखते हैं, डेल्टा टी। मैंने डिफ्रेंसिएशन के पहले लेक्चर में बता दिया था कि एवरेज वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ये कैलकुलस का पार्ट है, क्योंकि मैंने ये कैलकुलस में ऑलरेडी बता दिया था और मैंने आधा घंटा लगाया था बताने के लिए, शायद घंटा ही लगा दिया होगा फर्स्ट लेक्चर में, तो इसलिए मेरा वो आधा घंटा खराब नहीं गया, वो इसमें काम आ गया। तो जिन्होंने वो लेक्चर सुना हुआ है उनको एकदम समझ में आ रहा है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी क्या शो करता है, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, राइट। ठीक है, तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, तो एवरेज वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी इसमें वो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी होगी, लेकिन हमने ये भी डिस्कस किया था क्या कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, dx/dt, हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, डिफ्रेंसिएशन, और डिफ्रेंसिएशन यही तो बताती थी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को क्या लिखा जाता है, dx/dt, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, एवरेज वेलोसिटी की रिप्रेजेंटेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर कैलकुलस का रोल है, ऐसी एवरेज एक्सेलरेशन की अगर बात करते हैं
तो इस कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है v1, और फिर थोड़ी देर में कितनी होगी v2, चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी v2 - v1, और टाइम टेकन कितना है t2 - t1। तो अगर मैं पूछूं कि एवरेज एक्सेलरेशन कितनी है तो आप बोलेंगे डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, यानी कि v2 - v1 / t2 - t1। तो ये क्या आएगी एवरेज एक्सेलरेशन। अगर मैं बोलूं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, तो हमने डिफरेंशिएशन में किया था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है dv/dt। तो यानी कि जब वर्ड इंस्टेंटेनियस आएगा हम डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, जब एवरेज आएगा हम सिंपल डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी करेंगे। ये हमने सीखा। अब जैसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो कोई पार्टिकल एक्स में मूव कर रहा है, उसकी डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो एक्स टाइम के साथ अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। मुझे क्या निकालना है, फाइंड कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब वर्ड इंस्टेंटेनियस आएगा तो डिफरेंशिएशन आएगी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स को क्या करेंगे डिफरेंशिएट, वी इज इक्वल टू क्या dx/dt। तो एक्स की वैल्यू को उठा के यहां पुट किया, d/dt ऑफ फर्स्ट टर्म, d/dt ऑफ सेकेंड टर्म में कॉन्स्टेंट बाहर आ गए, dt/dt 1, और टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है 2t, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर ये आ गया। क्लियर है यहां तक? तो यहां पर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, कब, जब टाइम कितना है 2 सेकेंड। तो जो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आई उसमें टाइम को उठा के क्या पुट करेंगे 2 सेकेंड, आंसर आएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो डिफरेंशिएशन का ये पार्ट है, तो जिन लोगों ने अभी डिफरेंशिएशन नहीं किया उनको नहीं आएगा, पर जिन्होंने वो पहली 2 वीडियोस मेरी डिफरेंशिएशन की सुन ली उनको कुछ करना ही नहीं है, वो सारा कुछ सेम ही तो चल रहा है, आप लोग समझ सकते हैं राइट। तो 2 वीडियो से आपको ये काम आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये भी बता दूं, जो लोग मोशन और आगे करेंगे, मान लो मंडे का लेक्चर है, अब आपको क्योंकि मैंने 1 हफ्ते का टाइम दिया था पहले, 1 हफ्ते के अंदर कैलकुलस करना है, आपने 2 दिन 3 दिन निकाल दिए, अब आपको मंडे से पहले आपको इंटीग्रेशन भी करनी है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के लेक्चर को कंप्लीट करना है ताकि एटलीस्ट आप आगे ना फंसें, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, तो यहाँ तक क्लियर है। तो धीरे धीरे करें, पहले डिफरेंशिएशन करें फिर इंटीग्रेशन करें। इंटीग्रेशन छोटी है, 1 घंटे में हो जाती है, डिफरेंशिएशन में टाइम लग जाता है थोड़ा सा। तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, देखो अब वर्ड क्या आ गया एवरेज, पहले क्या था इंस्टेंटेनियस, जब एवरेज वर्ड आता है तो फॉर्मूला क्या लगता है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, यानी कि x2 - x1 / t2 - t1। तो जब वर्ड एवरेज आएगा ना, डिफरेंशिएशन कैलकुलस बिल्कुल भी यूज नहीं करना, नहीं करना। जब इंस्टेंटेनियस आएगा तो पक्का डिफरेंशिएशन ही करना, अब डिफरेंशिएशन नहीं लगेगी। अपने को क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, जब टाइम कितना है t1 कितना है 2 सेकेंड, t2 कितना है 3 सेकेंड। एक काम करते हैं, x की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है, ये मुझे x की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, मैं इसे डिफरेंशिएट तो नहीं करूंगा, कम से कम मैं क्या करूंगा इसमें, मैं टाइम को यहां पर क्या पुट करूंगा 2 सेकेंड। तो जब मैं टाइम को यहां 2 सेकेंड पुट करूंगा, तो 2 पुट करूंगा तो 18 यहां पर भी और यहां पर भी, देखो 18 × 2 का स्क्वायर सॉल्व करके क्या आ जाएगा x1। तो आप ये काम कर लेंगे, यहां पर टाइम की जगह क्या पुट करेंगे 2 सेकेंड। तो जब आप 2 पुट करेंगे तो आपको x का कोऑर्डिनेट पता लग जाएगा x1 कितना है। सिमिलरली दूसरा टाइम कितना गिवन है 3 सेकेंड, तो जब आप 3 पुट करेंगे टाइम की जगह यहां पर भी तो आपके पास क्या आ जाएगा x2 आ जाएगा। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने t1 पुट करके x1 निकाल लेना है, t2 पुट करके x2 निकाल लेना है। अब आपको t1 पता है, t2 पता है, x1 पता है, x2 पता है, आप यहां क्यों नहीं पुट कर लेते, क्योंकि कौन सी वेलोसिटी निकलेगी एवरेज, और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है x2 - x1 / t2 - t1। x2 पता है, x1 पता है, t2 पता है और t1 पता है, तो t2 t1 तो 3 और 2 पता है। x2 x1 हमने निकाल लिया 99 और 56 पुट करके आपके पास कौन सी वेलोसिटी आएगी, एवरेज वेलोसिटी आएगी। तो एवरेज वेलोसिटी उन लोगों को समझ में आएगी जिन्होंने डिफरेंशिएशन नहीं की, तो वो तो समझ में आ रही होगी, पर जहां डिफरेंशिएशन इंस्टेंटेनियस आएगा वहां डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट है। तो यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें राइट। अब जैसे क्या कह रहा है, x की वैल्यू ये थी, आपको क्या निकालनी है, आपको इसमें निकालनी है कौन सी एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस। अब जब इंस्टेंटेनियस आएगा तो क्या यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन।
तो x को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगी, वेलोसिटी, बताया था मैंने, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे वेलोसिटी, और वेलोसिटी को एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगी, एक्सेलरेशन। तो d बाई डी टी ऑफ फर्स्ट टर्म, d बाई डी टी ऑफ सेकेंड टर्म, कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंशिएशन जीरो, और 10 इंटू डी टी बाई डी टी क्या है, 1, तो आंसर क्या आ गया, 10। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकलेंगी, राइट? ऑनलाइन क्लियर है? यस यस। ठीक, अब नेक्स्ट में इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, फिर से उसने ऐसा ही क्वेश्चन बना, जब डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ अपनी वैल्यू को क्या कर रही है, चेंज कर रही है, क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ द बॉडी एट टी इज इक्वल टू जीरो। ये पोजीशन क्या होती है, इसमें क्या निकालूं, पोजीशन मींस क्या निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना, पोजीशन का मतलब क्या बताना, कि उसका समय टाइम बताना, नहीं एक्स बताना, पोजीशन का मतलब एक्स बताना। पोजीशन कैसे रिप्रेजेंट करते हो, किसी भी एक्स एक्सिस पे पोजीशन कैसे रिप्रेजेंट करते हो, उसका कोऑर्डिनेट से, कि एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर उसका कोऑर्डिनेट है, उसकी पोजीशन है, फिर थोड़ी देर के बाद उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 4 मीटर, तो उसकी नई पोजीशन है। तो पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बाय चेंजिंग द कोऑर्डिनेट्स, राइट? तो आपको क्या बताना है, एक्स बताना है, ठीक? हाँ, इसमें प्लीज एक मिनट, ये करेक्शन है पिछले क्वेश्चन में, मैं भूल गया, एक्चुअली क्या हुआ, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन चल रहा था, एक्स की वैल्यू है 5t स्क्वायर, और मैं लिखते लिखते कहीं ना कहीं क्या लिख बैठा, 15t स्क्वायर, 15 करते करते मेरे माइंड में 5 ही चल रहा था, तो प्लीज़ यहाँ करेक्शन करो, इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे 18, 15, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 30t, करेक्शन करो, ये 30t आएगा, ये भी कितना आएगा, 30t आएगा, ये भी कितना आएगा, 30t आएगा, और फाइनल आंसर कितना आएगा, 30 आएगा, ये करेक्शन करो प्लीज़ पिछले क्वेश्चन में, राइट? जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पर 30 के साथ चलेगा, सही है, ठीक है यहाँ तक? ठीक, अब जैसे क्वेश्चन है, आपको x की वैल्यू उसने दे दी, वो अब इंडिपेंडेंट हो गया, अब आखिरी पार्ट अब इंडिपेंडेंट कर दिया, लिंक नहीं रहा वो, ठीक है? इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, x की वैल्यू दे रहा है, क्या निकालना है, पोजीशन निकालना है, पोजीशन का मतलब क्या निकालना है, x निकालना है, कब निकालना है, जब टाइम कितना है, जीरो। तो आप क्या करेंगे, आप जो x का फॉर्मूला है उसमें टाइम को क्या पुट करेंगे, जीरो। तो आप एक काम करें, x की वैल्यू लिखें और यहां पर टाइम को क्या पुट करें, जीरो जीरो, तो यहां पर क्या आएगा, 25। पहला पार्ट क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक, 25। क्या निकालना है नेक्स्ट, फाइंड वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो। देखो वैसे तो ये रूल है कि जब आपको कहता है कि फाइंड वेलोसिटी तो वो एवरेज नहीं होती कभी भी, वो कौन सी होती है, बाय डिफॉल्ट कुछ ना गिवन हो तो कौन सी है, इंस्टेंटेनियस है। तो हालांकि मैंने इसमें दे दिया, पर आगे से अगर ना गिवन हो तो बाय डिफॉल्ट क्या लेके चलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कब निकालना है, जब टाइम की वैल्यू क्या है, जीरो। तो याद रखना, जब टाइम जीरो है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो आपको क्या यूज करना है इंस्टेंटेनियस के लिए, डिफ्रेंशिएशन। तो आप क्या करेंगे, इसमें v का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, dx by dt, क्लियर है? v is equal to dx by dt, हम क्या यूज करेंगे, डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि हमने इंस्टेंटेनियस निकालना है। x की वैल्यू, ये पूरी की पूरी x की वैल्यू को पुट किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंशिएशन जीरो, dt by dt 1, और इसकी डिफ्रेंशिएशन 2t, मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया, राइट? तो ये कौन सी वेलोसिटी आ गई, इंस्टेंटेनियस, जो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। पर आपको वेलोसिटी कब निकालनी है, जब टाइम की वैल्यू क्या है, जीरो। तो जब आप यहाँ टाइम जीरो पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -15, एंड वेलोसिटीज नेगेटिव हो सकती हैं, इसका मतलब बॉडी इज मूविंग अलोंग नेगेटिव x एक्सिस, इसका मतलब ये है।
तो आंसर अगर नेगेटिव आ रहा है, अब नेगेटिव छोड़ के आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कभी कभी वो ये बोलेगा कि एक्स की वैल्यू ये रही, कभी कभी क्वेश्चन में कहेगा कि एक्स की वैल्यू ले लो, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, एक्स की वैल्यू देके फाइंड इनिशियल वेलोसिटी। अब ये इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? जब बॉडी चली थी, जब बॉडी चलती है तो आपके हाथ में स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच आपने ऑन की, जब स्टॉप वॉच ऑन करते हैं तो टाइम क्या दिखता है? जीरो। स्टार्ट तो जीरो से होता है, तो यानी कि ये जो हमने जीरो टाइम पर वेलोसिटी निकाल ली, ये इनिशियल वेलोसिटी भी कहलाएगी। तो आपको अगर क्वेश्चन में ये आ गया फाइंड वेलोसिटी जब टाइम जीरो है, या ये आ गया फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी में वो टाइम को जीरो नहीं पुट करेगा, वो आप खुद ही पुट करेंगे, टाइम को क्या पुट कर देंगे? जीरो। तो इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी। क्लियर है यहां तक? यानी कि वो नेगेटिव एक्सेस में जा रही है, बस खत्म। तो जब वो नेगेटिव एक्सेस में जा रही है और मैंने फटाफट उसकी फोटो खींच ली क्लिक, तो उस फोटो में वो ऐसा कैमरा था जो स्पीड बताता था, उसमें स्पीड लिखी आ गई उस फोटो में -15 इंस्टेंटेनियस। अगली फोटो खींचूंगा तो पता नहीं यार -14 आएगी कि 10 आएगी, पता नहीं, लिखा होगा इंस्टेंटेनियस है, इंस्टेंटेनियस है। तो अगली बार क्या होगा मुझे पता नहीं, पर हाँ इस टाइम पर -15 है। फिर कहाँ गई बॉडी, जाने दो। ठीक, नेक्स्ट, वेन 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 का मतलब वेन विल बी दी वेलोसिटी जीरो, मतलब क्या निकालना है? समय, समय बताओ, टाइम बताओ जब वेलोसिटी जीरो। कौन सी वेलोसिटी जीरो? कुछ मेंशन तो है नहीं, तो कौन सी वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने ऊपर क्या निकाली डिफरेंशिएट करके? 80 - 15। तो वेलोसिटी 80 - 15 है। वो क्या कह रहा है? कब वेलोसिटी जीरो हुई? तो क्या निकालना चाहता है इस बार? टाइम। वेलोसिटी को क्या पुट करेंगे? जीरो। तो इसको जीरो पुट करेंगे, टाइम निकालेंगे, आंसर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो व्हेन का मतलब टाइम, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी का मतलब फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। तो बाय डिफॉल्ट कौन सी एक्सेलरेशन? इंस्टेंटेनियस। तो क्या यूज करेंगे? डिफरेंशिएशन। तो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस निकाल चुके हैं, एक्सेलरेशन क्या होगी? इंस्टेंटेनियस, डीवी बाय डीटी। तो v की वैल्यू पूरी की पूरी यहां पर पुट करेंगे, d बाई डी टी ऑफ फर्स्ट टर्म, d बाई डी टी ऑफ सेकेंड टर्म। तो इसकी डिफरेंशिएशन जीरो, dt टी बाई डी टी इज 1। तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई? 8। अब एक्सेलरेशन डिफरेंशिएट करके जो आई वो 8 आ गई। इस 8 के साथ कुछ टाइम नहीं लगा हुआ, जैसे क्वेश्चन में आ सकता था 8t स्क्वायर, कुछ भी नहीं है। तो एक्सेलरेशन है, एक नंबर आ गया, एंड दिस नंबर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, टाइम तो आया ही नहीं। तो यानी कि आप एक्सेलेरेशन अब चाहे टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे पूछ लें, टाइम टी इज इक्वल टू 100 सेकंड पे पूछें, 200 सेकंड पे पूछें, एक्सेलेरेशन विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। तो 8 का मतलब 8 ही है, अब भी 8 है, बाद में भी 8 है। इसका मतलब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे एक्सेलेरेशन क्या रहेगी? 8। अगर वो ये पूछता टाइम टी इज इक्वल टू 10 सेकंड पे एक्सेलेरेशन बताओ, तो भी क्या रहती? 8। हाँ, अगर आपका आंसर 8t² आ जाता, हाँ फिर वेरी करना था, फिर टाइम की जो वैल्यू है वहां पर आंसर डिफरेंट आना था। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो आपका आंसर टाइम से इंडिपेंडेंट है, तो यानी कि एक्सेलरेशन क्या रहेगी हमेशा पूरी जर्नी में? कांस्टेंट। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? ठीक, यूनिट्स एंड डायमेंशन से हटके है ना, कुछ एकदम चेंज हो गया ना सब कुछ? ठीक, कैलकुलस और मोशन बोला था ना, एकदम इंटररिलेटेड है। और ये भी बोला था जितनी स्ट्रॉन्ग कैलकुलस होगी, डिफरेंशिएशन होगी, उतना जल्दी आप कैच करेंगे इसे, उतना टाइम आप सेव करेंगे। तो जो लोग डिफरेंशिएशन जिन्होंने नहीं किया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहला काम डिफरेंशिएशन ख़त्म कर दें, आराम से बैठें और बस सिर्फ देखें कि इसमें हो क्या रहा है। इतना भी जोर नहीं लगा रहे होंगे स्टूडेंट कि ये स्टेप कैसे हुआ, जिनको डिफरेंशिएशन आती है उनको पता है ये मैं कर लूँगा, इसीलिए डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है। और अभी तो सिर्फ डिफरेंशिएशन यूज़ हो रही है, एक लेक्चर के बाद अब इंटीग्रेशन भी आ जाएगी, डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन भी आएगी, फिर वही बात हो जाएगी। तो इसलिए बेटर है सबसे पहले इसको खत्म कर दें हम। क्लियर है? वेलोसिटी कितनी है? 2t² + 5। तो वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है। फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, कौन क्या निकालनी है? एवरेज नहीं ना, इंस्टेंटेनियस नहीं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसी निकलेगी इसमें बताओ?
इस क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकलेगी? ये क्या गिवन है? ये इंस्टेंटेनियस ही है भाई, टाइम के साथ जो डिपेंडेंट है वो इंस्टेंटेनियस है। आप टाइम को वन, जरूरी थोड़ी ना है कि तुम्हें पहले एक्स देंगे, तुम डिफ्रेंशिएट करके ही भी निकालोगे। भाई उसने एक्स नहीं दिया, उन सीधा वी का फॉर्मूला दे दिया, तो यही आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है भाई। टाइम के साथ चेंज हो रही है और क्या चाहिए, इसी को तो बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही है। आपको क्या निकालना है? चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वी टू माइनस वी वन। कब? जब टाइम टू और फोर सेकेंड है। तो ऐसा क्यों नहीं करते? जब टाइम टू सेकेंड है तो इस टाइम में टू पुट करें तो वी वन आ गया, जब टाइम फोर सेकेंड है यहाँ पर फोर पुट करें तो वी टू आ गया। आपको क्या निकालना है? चेंज इन वेलोसिटी। तो कर ले माइनस वी टू माइनस वी वन, आंसर आ गया। राइट, क्लियर है यहाँ तक? अब सेकेंड पार्ट में कह रहा है फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज वर्ड आ गया, डिफ्रेंसिएशन यूज नहीं करेंगे। क्या करेंगे? डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। डेल्टा वी क्या होता है? वी टू माइनस वी वन। डेल्टा टी क्या होता है? टी टू माइनस टी वन। तो ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपके पास क्या आ गया? एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब इस एक्सेलरेशन के अंदर v2 और v1 हमें गिवन है, v2 माइनस v1 कितना गिवन है? 37 माइनस 13। और t2 माइनस t1 कितना गिवन है? और t2 माइनस t1, t2 ये रहा t2, ये रहा t1, तो 4 माइनस 2। ये स्टेप क्लियर है? तो चेंज इन वेलोसिटी को टाइम के चेंज से डिवाइड करेंगे, ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी? एवरेज एक्सेलरेशन। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब ये जो वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन थी वो कौन सी थी? इंस्टेंटेनियस। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी? डिफरेंशिएशन, क्योंकि वर्ड इंस्टेंटेनियस है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगी? डीवी बाय डीटी। इस वी को यहां पुट करें, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म, टू कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो, टी स्क्वायर की 2t, कितना आया? 40। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? 40। राइट, अब वो क्या कह रहा है? फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जब टाइम कितना है? 1 सेकेंड। आपने एक्सेलरेशन कितनी निकाली इंस्टेंटेनियस? 40। आप टाइम को क्या पुट करेंगे? 1। तो आंसर क्या आएगा? 4 × 1, 4 cm/s² इंस्टेंट एक्सेलरेशन आ गई। ये भी क्लियर है यहां तक? उसने कहा कि x की वैल्यू है 7t² + 8t + 1। ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है और क्या निकालना है? फाइंड कौन सी वेलोसिटी? एवरेज। तो इसमें डिफरेंशिएशन यूज नहीं करना। तो इसमें कौन सी वेलोसिटी निकालनी है? एवरेज वेलोसिटी। तो जो एवरेज वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? डेल्टा x बाय डेल्टा t, यानी कि x2 - x1, t2 - t1। करे सॉल्व।
ओके, इसका आंसर कितना आ रहा है? 29। तो इसमें yes. आपने क्या करना है, टी टू एंड टी वन, टी टू कितना है 2, टी वन कितना है 1, आपको x2 और x1 चाहिए। एक काम करो, जब टाइम की वैल्यू टी वन कितने सेकेंड है, 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड है, तो यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या आएगी, 7 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 1 प्लस 1, निकाल लेना। ऐसी कितना आ रहा है वैसे ये 16, और ऐसी टाइम की वैल्यू कितनी 2 सेकेंड, जब 2 सेकेंड पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू क्या आएगी, 7 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू कितना 2 प्लस 1, कितना आ रहा है 45, तो 45 माइनस 16, टोटल आंसर कितना आ रहा है 29, ओके 29 ऐसे, ओके okay. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब इसी के अंदर ये एक्स है, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो अब क्या करेंगे इसमें, आंसर क्या रहा है 36, तो इंस्टेंट, हाँ ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, डी एक्स बाय डी टी, यानी कि डी बाय डी टी ऑफ एक्स की वैल्यू मुझे गिवन है कितनी 70 स्क्वायर प्लस 80 प्लस 1, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा 2t 8 1, ये आएगा, टाइम को एंड में क्या पुट करना है यहाँ पर 2 सेकेंड, कितना आंसर आ रहा है 36 आंसर। क्या आपको मेथड क्लियर है यहाँ तक, तो आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे 2 का स्क्वायर होएगा राइट, ठीक है, तो यहाँ पर 7 इंटू 2, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 7 इंटू टी स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन क्या है 2t, 7 इंटू 2 इंटू टी, ठीक है, तो यहां पे कितना आ रहा है 14t प्लस 8, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में क्या निकालनी है इंस्टेंटेनियस, तो पिछले पार्ट में क्या आया था 14t प्लस 8, यही आई थी ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगी dv/dt, तो d/dt ऑफ v की वैल्यू कितनी है 14t प्लस 8, तो यहां पर क्या आएगा सॉल्व करके 14, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन इज 0, तो 14 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, क्या है पॉइंट क्लियर है यहां तक, ये बात समझ में आ रही है राइट, तो आपके पास एक्सेलरेशन कितनी आ गई 14 आ गई, क्या चीज, ठीक है, आपको क्या निकालना है अब एवरेज एक्सेलरेशन, कितना आंसर आ रहा है 14 आ रहा है 14। देखो अगर मैं थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करूं तो शायद मैं पेन भी हाथ ना लगाऊं और आंसर 14 आएगा, कितने लोगों को समझ में आ गया 14 आएगा, करने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कितना आ गया 14, टाइम तो आया ही नहीं पीछे, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, यानी कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, अब चाहे टी इज इक्वल टू 0 पे निकलवा लो, टी इज इक्वल टू 1 पे निकलवाओ, टी इज इक्वल टू 2 पे निकलवाओ, आंसर विल बी सेम, क्योंकि तो कॉन्स्टेंट है, तो आंसर क्या आएगा 14 ही आएगा, पॉइंट समझ में आया यहां तक, लेकिन फिर भी कईयों को नहीं क्लिक करता, कोई बात नहीं, आपको क्या निकालना है इसमें, आपको निकालना है इसमें एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है राइट, तो आप एक काम करें, जो एवरेज एक्सेलरेशन है वेलोसिटी की वैल्यू क्या आई थी इंस्टेंटेनियस कितनी थी 14t+8 थी ना, आप ऐसा करें आप एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख लें, जो कि क्या होता है v2 - v1 / t2 - t1, t2 और t1 तो आपको पता ही है कितना 2 और 1, आपको बस क्या निकालना है v2 and v1, एक काम करें इसके अंदर, इसके अंदर टाइम को पहले टाइम को 1 पुट करें और v1 निकाल लें, v1 क्या आएगा 14 × 1 + 8, और ऐसी टाइम को क्या पुट करें 2 पुट करें और v2 निकाल लें कितना 14 × 2 + 8, तो v1 v2 सॉल्व करके यहां पुट करके डिवाइड करें, आंसर कितना आएगा, मैंने किया नहीं पर मुझे पूरा विश्वास है 14 ही आएगा, करूं क्यों, क्योंकि पता ही है कि टाइम से इंडिपेंडेंट है, करके देख लो तो भी 14 आएगा, क्या है पॉइंट क्लियर है यहां तक, अगर मान लो आपने ऐसे कर भी दिया प्रॉब्लम नहीं है।
ओके, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक?